आज से कुछ डेकेड तो छोड़ो 5-6 साल पहले मूवी यूनिवर्स क्रिएट करने में इंडियन मूवी मेकर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं था, पर 2019 में मार्वल की मूवी एवेंजर्स एंड गेम आई, जिसने इंडियन फिल्म मेकर्स को बोला कि उठो लाला उठो, अपनी आंखें खोलो। और फिर क्या, इंडियन मूवी इंडस्ट्री में सारे के सारे यूनिवर्स बनाने लगे। कई सारे मूवी मेकर्स ने बहुत सारे यूनिवर्स बनाए, जिनमें से तो भाई कुछ कॉप यूनिवर्स, लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, लेकिन यार जो सबसे ज्यादा पर सबसे ज्यादा ऑडियंस अपने नाम कर पाई है वो है भाई हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसके पहले ही मूवी ने अपने बजट से 20 गुना ज्यादा की कमाई की। जहां भाई स्पाई यूनिवर्स में सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे ग्रीड गॉड ने कब्जा बना लिया। मेकर्स को इनके स्टार्डम का फायदा तो हुआ ही, लेकिन इनके जो हाई बजट फीस होते हैं वो भी उनको उठाना पड़ा। तो वहीं इस यूनिवर्स के कर्ता धर्ता यानी कि दिनेश विजन ने एक ऐसे यूनिवर्स का निर्माण किया जहां आपको स्टोरी तो जबरदस्त मिलती ही है, पर उसके साथ साथ आपको हॉरर कॉमेडी एंड डिफरेंट टाइमलाइन से जुड़ी हुई पुरानी लोक कथा, फोक टेल्स और हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट का एक ऐसा नशा पब्लिक को पिलाया, जिससे पब्लिक अभी इस यूनिवर्स की आगे आने वाली बहुत सारी कंटेंट को बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। अभी तक इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में टोटल 4 मूवीज आ चुकी है। सबसे पहली तो आई थी भाई स्त्री, जो की अपने बजट से 20 गुना ज्यादा की कमाई करके चली गई। फिर आई भाई भेड़िया, जिसकी विजुअल ने, VFX ने सबका दिल ही जीत लिया। और फिर इसी साल 2 मूवी रिलीज हुई है इस यूनिवर्स से, जो कि पहली मूवी है भाई मुंजिया और दूसरी मूवी है भाई स्त्री 2, जिसने कि भाई इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया। जिसके बाद पब्लिक इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी को लेके एक्साइटेड तो थी ही, लेकिन इस मूवी से रिलेटेड, इस यूनिवर्स से रिलेटेड एक डिफरेंट कॉन्टेंट या फिर आप बोल सकते हो एक न्यू कैरेक्टर की मूवी अनाउंसमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, जो कि सोशल मीडिया पे हैशटैग पे चल रही थी, वैम्पायर्स ऑफ द विजयनगर। तो पब्लिक वेट कर रही थी कि इस मूवी का अनाउंसमेंट, इस कैरेक्टर का अनाउंसमेंट मेकर्स कब करेंगे। तो गाइस वो दिन, वो टाइम भाई आ चुका है, क्योंकि भाई मेकर्स ने आज ही के दिन इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और इस मूवी का ऑफिशियल नाम है भाई, जो कि एक वैम्पायर और ह्यूमन की लव स्टोरी होगी या फिर एक वैम्पायर और वैम्पायर की लव स्टोरी होगी, ये तो भाई कंफ्यूजिंग है ही। लेकिन जिस किस्म का एडिटिंग था, जिस किस्म का विजुअल हमें देखने को मिला था और जिस किस्म का वर्डिंग यूज किया गया था इस टीजर में या फिर आप बोल सकते हो इस अनाउंसमेंट टीजर में भाई, उससे तो यही लग रहा था कि भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा ब्लडी होने वाली है। नो डाउट मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टोरी होगा, बहुत ही अच्छे किस्म के टाइमलाइन आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस मूवी का मेन कोर होगा वो होगा भाई एक लव स्टोरी। लेकिन इसके अलावा भी भाई आपको बहुत ही ज्यादा आर रेटिंग एंड ब्लड से भरी हुई मूवी आपको मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो मेकर्स ने साफ साफ बोला है इस यूनिवर्स को एक लव स्टोरी चाहिए। यानी कि अभी तक जितने भी मूवीज इस यूनिवर्स में रिलीज किए गए हैं ना भाई, सारी की सारी मूवीज में उनके हीरो और हीरोइन के बीच में लव स्टोरी होते होते ही खत्म हो गई। लेकिन भाई इस यूनिवर्स में एक ऐसी मूवी आने वाली है जिस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स के बीच में आपको लव स्टोरी दिखाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ब्लडी दिखाया जाएगा, यानी कि ब्लड से भरी हुई मूवी दिखाया जाएगा। और भाई ऑब्वियसली ये मूवी वैम्पायर्स की है तो भाई ब्लड तो होना बनता ही है। बस यार मुझे एक ही डाउट है कि भाई मेकर्स हॉलीवुड की मूवी ट्वाइलाइट सागा का कॉपी ना बना दे। हाँ, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंट स्टोरी चाहिए, एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट टाइमलाइन चाहिए, एक इंडियन टच चाहिए हमको, जो कि आई प्रोबेबली थिंक कि भाई स्त्री 2 देखने के बाद हर कोई इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस तो होगा ही। और कहीं ना कहीं भाई इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि भाई मेकर्स इस मूवी को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे ही। बाकी भाई वेट करते हैं इस मूवी से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हमें सुनने को मिलते हैं, क्या क्या कॉन्टेंट हमें और नजर आते हैं फ्यूचर में, उसके बाद ही इस यूनिवर्स को लेके और इस मूवी को लेके, इस न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को लेके मैं कुछ बोल सकता हूँ। और हाँ, इस मूवी के अंदर मेन लीड में होंगे आयुष्मान खुराना एज वैम्पायर और उनकी जो लव इंटरेस्ट होंगी उनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, उस रोल को प्ले करने वाली है रश्मिका मंदाना। और मूवी के अंदर मेन विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं भाई द किलिंग एक्टर, द डार्केस्ट एक्टर नवाज सिद्दीकी। तो भाई सोच लो किस लेवल का मूवी होने वाला है, टॉप क्लास का एक्टर, टॉप क्लास की हीरोइन एंड सबसे ज्यादा खतरनाक एंड डार्केस्ट विलेन इन आवर इंडियन हिस्ट्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस रोल को प्ले करने वाले हैं। तो भाई आप लोग इमेजिन कर ही लो। बाकी भाई आप लोग बताओ, आप लोग को इस यूनिवर्स से और इस न्यू कैरेक्टर वाली मूवी से आपको
क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या होप्स हैं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। बाकी अगर इस यूनिवर्स रिलेटेड, मूवीज रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे सीधा का सीधा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे। तब तक बाय, डू वॉच माई लेटेस्ट वीडियोज़।